भारत पहले दिन से पाकिस्तान सुपर लीग को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं, क्रिकेटर्स का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन तरजीह है। क्रिकेट रुकने से सिर्फ दहशतगर्दी की जीत होगी। क्रिकेट को नहीं रुकना चाहिए। अगर हम टेररिज्म की वजह से क्रिकेट को रोक देते हैं तो उसमें से एक जीत होती है, वो टेररिस्ट की। पीसीबी चेयरमैन ने बताया कि पीएसएल में शामिल इंटरनेशनल खिलाड़ियों का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी कम की जाए क्योंकि हम कराची शहर को देखना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि इन खिलाड़ियों का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस को भरपूर पजीराई मिली। एहसान मानी ने कहा कि भारत हमारी पीएसएल को तबाह करना चाहता है। वो समझ रहे हैं कि हमारी लीग को नुकसान होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पीएसएल की कामयाबी पर पूरी कौम तारीफ की मुस्तहिक है। खास तौर पर इस स्टेज पर जो हालात थे, जियोपॉलिटिकल हालात, इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम डेमोंस्ट्रेट कर सकें कि पाकिस्तान में कैपेबल भी है और माशाल्लाह हम लोगों ने ये इवेंट किया है। एहसान मानी ने कहा कि पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस कराना हमारा अज़्म था। पीएसएल के मैचेस के इंतजाम के लिए पीसीबी ने बहुत मेहनत की। वजीर अला सिंध और इंतजामिया ने मैचेस के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया, जबकि डीजी रेंजर्स और सिंध की हुकूमत ने भी बहुत सपोर्ट की।